स्वागत है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि विमुद्रीकरण पर विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उनके कई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल हमारे साथ हैं। जो ये 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का फैसला किया गया मैडम, उसके बाद संसद में गतिरोध लगातार देखने को मिल रहा है, आपका क्या कहना है एनडीए के सहयोगी दल के नाते? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा काला धन उन्होंने ही इकट्ठा किया था। जो कांग्रेस की बात की जाए तो पिछली सरकार 10 साल कौन नहीं जानता, ये आज गूगल में भी आप सबसे करप्ट पार्टी जो आप गूगल भी करें तो कांग्रेस का नाम आता है। 2G बोफर से लेके 2G तक क्या कुछ कांग्रेस ने किया सब जानते हैं। केजरीवाल साहब की जो पार्टी है इनके बारे तो क्या कितना कम कहा जाए। अन्ना हजारे की मूवमेंट से एंटी करप्शन से शुरू हुए और अब जो कहते थे सत्ता में नहीं आएंगे, कभी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अब पॉलिटिक्स करके सबसे करप्ट इनके मिनिस्टर्स आधों ने जेल की हवालात में बंद हैं और आधे जेल जाने वाले हैं। अपोजिशन जिस तरह का प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या वजह है? चूंकि आप देखें तो 500-1000 की नोट बंद होने के बाद एक तरह से दावा है सरकार और सहयोगी दलों का कि इस पर जनता साथ है। बिल्कुल जनता साथ है, इसमें कोई शक नहीं। ये विरोधी दल जो शोर मचा रहे हैं एंटी करप्शन और ब्लैक मनी के मुद्दे पे, तो ये भी साथ में है, लेकिन ये अंदर डिबेट से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि सरकार जवाब देगी और वो जवाब सुनना ही नहीं चाहते, ये जमीन पे जाके लोगों को भड़काना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल थी जिनका कहना था कि जो बात सड़कों पर करना चाहते हैं विपक्षी दल संसद के अंदर बहस करें, आखिर उन्हें कौन रोक रहा है? कैमरामैन पूरन चंद जोशी के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज़ दिल्ली।